Welcome. Miscellaneous word problems. SBI CLERK MAIN exam 5th August 2018 को जो संपन्न हुआ उसके memory based question पर बात करने जा रहे हैं. इन questions को आप seriously लीजिए. ये questions एक स्तर के हैं और किसी भी exam के लिए important हैं. इनको सीखने का प्रयास कीजिए. इनसे आपके अंदर confidence आना चाहिए कि ऐसे ही question exam में आते हैं. तो इसके लिए क्या अप्रोच होगा आइए देखते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूं, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है. मैंने यहां पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेज बनाए हैं जो बैंक एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं. इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप. क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपको दूं कि आप जानते हैं कि अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं क्लासेस लेता हूं, बड़ी संख्या में वहां स्टूडेंट्स हैं. मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि वहां पर पेड क्लासेस भी चलते हैं और वन रुपी क्लास यानी एक तरह से फ्री क्लास भी बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है. तो पेड क्लास भी मेरा एक लॉन्च हुआ है आज ही, जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कैसलेट, जो कि IBPS PO प्री और मेन एग्जाम के लिए है. ये मैं इस ख्याल से बोल रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि आपका फुल कोर्स कब आएगा, उनकी जानकारी के लिए. ये तो पेड है, जिनके पास पैसे होंगे वही वो देख पाएंगे उस प्लेटफॉर्म पर. लेकिन मूल रूप में मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पे नहीं कर सकते. यूट्यूब चैनल एकदम मेरा खुला हुआ है और यहां पर सब कुछ फ्री है, यहां से आपका पूरा प्रोफेशन होगा. लेकिन कुछ लाइव क्लासेस का अपना मायने होता है, तो वहां जो वन रुपी क्लास शुरू हुआ है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अभी तुरंत 3 डेज मेरा लाइव क्लास है, फ्री है. वो फ्राइडे सैटरडे संडे को रात में 8:30 बजे से होगा, 8:30 से. तो 2 दिन पहले उसका होना है. जैसे फ्राइडे को जो क्लास होगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन वेडनेसडे को होगा. तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे दोपहर में 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में, इसी 1.5 घंटे में उसका एनरोलमेंट होता है. बस उसके बाद नहीं होता, वो 12 बजे ओपन होता है और 1:30 बजे तक चलेगा. यानी वेडनेसडे को जो क्लास होना है, को जो रजिस्ट्रेशन होगा 12 से 1:30 के बीच, उनका क्लास फ्राइडे को होगा, थर्सडे वाले का सैटरडे को होगा और फ्राइडे वाले का संडे को होगा. तो ये 3 क्लास इंपॉर्टेंट रहेंगे. फर्स्ट का टॉपिक मैं बता देता हूं, अप्रोक्सीमेशन कैसे किया जाए इस पर होना है पहला क्लास. तो ये क्लास का ही इंफॉर्मेशन मुझे आपको मूल रूप में देना था कि ये फ्री क्लासेस हैं. ज्यादातर स्टूडेंट इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए ये 1 आवर का लाइव क्लास जो रहेगा ये अच्छा रहेगा. यूट्यूब पर तो मैं जैसे वीडियो बनाता हूं बनाऊंगा ही. तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है. इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप का है. पार्टनरशिप जानते हैं कि कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. कैपिटल के रेशियो में टाइमिंग शुड बी द सेम, नहीं है तो बनाते हैं. ए स्टार्ट्स ए बिजनेस आफ्टर 6 मंथ्स वी ऑल्सो ज्वाइंस हिम विथ ₹4500 and after 2 months of B's joining, C also joins them with ₹4500. रुकिए, आगे बढ़ने के पहले एक बात सुनिए. टाइम तो तीनों का दे दिया है, आगे मान लीजिए 1 ईयर के लिए बिजनेस चला या जो भी. तो आप देख रहे हैं कि A स्टार्ट करता है, कुछ कहा नहीं गया, यानी अंत तक रहता है. 6 मंथ्स के बाद B आया तो अंत तक रहा. 2 मंथ्स के बाद यानी 8 मंथ्स के बाद सी आया तो बाकी समय यानी 4 मंथ्स रहेगा, अगर 1 ईयर बिजनेस चला या फिर जो भी चला 1.5 ईयर या 2 ईयर्स. तो टाइम का आपको पता चल जा रहा है, कैपिटल का इतनी ही दूर तक पढ़ने पर, कि कैपिटल का ए का कैपिटल अभी नहीं बताया गया है लेकिन बी और सी का कैपिटल भी पता है. तो दिमाग में एक मैप बन रहा ना. असल में क्या होता है, पूरा पढ़ने के बाद चीजें निकल जाएंगी, फिर से एक बार पूरा पढ़िए टाइम ज्यादा लग जाएगा. तो पढ़ते हुए एक जगह पर रुकना है और चीजें क्लियर कर लेनी है ताकि आगे पढ़े मैप बने बना डाले.
एग्जाम में यही आपका अप्रोच होगा। जब यहां तक पढ़ने पर आपने ये मीनिंग ले लिया तो इफ ए गेट्स अप्रॉक्स 4900 आउट ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000, रुक जाए, प्रॉफिट्स तो पता हो गए, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। कितना सुंदर क्वेश्चन है, कितना सुंदर क्वेश्चन है। देखिए मैं बता रहा हूं कि ए बी सी का यहां तक सवाल है। देखिए ए बी और सी का यहां तक सवाल है, तो ए का मान लीजिए एक्स रुपीज रहा तो वो 12 मंथ रहा, बी का 4500 रुपीज रहा तो वो 6 मंथ रहा, 6 मंथ के बाद आया, और उसके 2 मंथ के बाद 4500 के साथ सी भी आया, यानी 8 मंथ के बाद कुल मिला के आया, साल के अंत तक रहा तो 4 मंथ रहा। ये 1 मंथ में कैपिटल का रेशियो है। प्रॉफिट का यहां तक सवाल है, टोटल प्रॉफिट 10,000 है। आप जरा गौर कीजिए, 10,000 टोटल प्रॉफिट है, इसमें 4900 ए का पार्ट है, तो बी प्लस सी का पार्ट क्या है? यहीं से आपको डायरेक्शन मिलता है, ये प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। आप जानते हैं कि समान समय में प्रॉफिट का रेशियो यही होगा क्योंकि कैपिटल का रेशियो यही है, पर आपको बी और सी और ए इनका अलग अलग प्रॉफिट नहीं पता है। ग्रुप के रूप में या तो ए का पूरे प्रॉफिट के साथ रेशियो है, पूरा क्यों ले, या बी प्लस सी के साथ है, यही डायरेक्शन बताता है, यानी एक्स इंटू 12 बाय, यानी ये ए और ये बी प्लस सी आप एक साथ लेंगे, एक साथ लेंगे। ये क्या है, इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं समझाना चाहता हूं इसलिए लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत सब में नहीं है। प्लस ये 4500 इंटू 4 और इसका रेशियो है 4900 बाय 5100। अप्रॉक्स का सवाल है, फास्ट होना चाहिए, इसमें आप कुछ सीखेंगे, मैं कहता हूं इसमें आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये ए है, ए बी प्लस सी है और ये ए है, इसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा, क्या करें? तो मैं कहता हूं कि नंबर तो कटेगा नहीं, इतना मल्टीप्लाई करके भी क्या होगा, 4500 इंटू 10 होगा, ये तो ठीक है, पर अब क्या करें? एक काम करते हैं, 12 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 12 में 4 है कटेगा ही और 3 से भी कटेगा ही, 12 आप ऐसे काट सकते हैं, ऐसे 4 से 100 को काटिए तो 25 टाइम्स, और 3 से 45 को काटिए इतना, यानी कि ये 375, ये वाला पार्ट होता है, इंटू 10 यही होता है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि x इज इक्वल टू 3750, आप काटते रह जाएंगे, 3 से इसको कैंसिल जैसे ही किए, जो जाल बुना गया है आपके लिए उसमें आप फंसे। अगर आपने 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो फिर करते रहिए करते रहिए करते रहिए, इट डिमांड्स 1 - 2/51, ये यही चाहता है, 49/51 इसीलिए दिया गया है, क्वेश्चन को चाहता है 1 - 2/51, और ये आ गया। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं, 3750 - 7500/51। अब आप इसको 50 मान के, पहले नहीं मान सकते थे, पहले नहीं मान सकते थे, चौपट हो जाता, अब मान सकते हैं, 50 मान करके आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, डबल कर दीजिए, 100 मान लीजिए डबल कर दीजिए तो 15,000 मान लीजिए, यानी कि 150, यानी कि 3600 अप्रॉक्स। ये अप्रोक्सीमेशन का जबरदस्त सवाल है तो पार्टनरशिप का, लेकिन आपके अप्रोक्सीमेशन के पूरे कंसेप्ट को इसने चेक कर लिया, आंसर इज 3600 सी।
बोलिए, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ही बोलिए, अदरवाइज मिलता जुलता ही है, इसको नंबर सिस्टम टाइप का भी बोल सकते हैं, सिंपल। देखिए पढ़ता हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹50 एंड दैट ऑफ नोटबुक इज ₹140। इफ पेन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट देन टू परचेस 10 सच नोटबुक्स हाउ मेनी पेन्स आर रिक्वायर्ड टू सेल इफ ओनली प्रॉफिट मनी इज यूज टू बाय नोटबुक। एक बेहद आसान सवाल है, लेकिन चीजें ऐसी हैं कि मैथमेटिकल स्किल तो होना चाहिए, काफी आपने पढ़ा है, ऐसा तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन ये कहता है कि एक पेन का दाम पी बोल देते हैं, वन पेन का प्राइस है ₹50, ये कॉस्ट प्राइस। देखिए ये कॉस्ट प्राइस, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है पेन का ₹50 है, वन का, और कॉस्ट प्राइस ही नोटबुक एन बोल देते हैं, ये है ₹140। क्वेश्चन ये है कि पेन को 200% प्रॉफिट पर सेल किया जाता है, तो प्रॉफिट जो है वन पेन पर प्रॉफिट क्या होगा, नॉट सेलिंग प्राइस, तो 200% यानी कि ₹100। एक पेन को सेल करेंगे तो ₹100 का प्रॉफिट होगा, यानी 150 में सेल करेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसे 10 नोटबुक्स खरीदे जाने हैं, तो 10 नोटबुक का क्या प्राइस होगा, खरीदेंगे कॉस्ट प्राइस, आप खरीदेंगे तो कॉस्ट प्राइस ही होगा ना, तो 140 × 10 यानी कि ₹1400। यानी ऐसा अगर आपको 10 खरीदना है तो ₹1400 चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट से खरीदा जाना है तो कितने सेल करने पड़ेंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन ऑफ कितने सेल करने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ नोटबुक्स ना, नंबर ऑफ पेन्स टोटल आपको ₹1400 चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट तो ₹100 करके ₹100 आपको पर पेन का प्रॉफिट होता है, और इसी प्रॉफिट मनी से खरीदना है तो 14 पेन्स आपको खरीद को सेल करने पड़ेंगे ताकि इतना पैसा आए और आप इसको खरीद सकें। तो आंसर क्या हुआ, 14 यानी कि सी इज आंसर। तो ये एक आसान सवाल था, बन गया होगा, ठीक है आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चंस और। ट्रेन का सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, और उसके बाद एक मिक्सर का सवाल है। लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स आर 150 मीटर एंड 200 मीटर रेस्पेक्टिवली एंड द रेशियो shorter to longer of their speeds is 2:5। सिर्फ भ्रम में डालने के लिए है, shorter to longer, तो पहली ट्रेन 150 मीटर वाली का 2 अगर हो तो 200 मीटर लंबी ट्रेन का 5 होगा, इस तरह से है। इफ दे क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शंस इन 15 सेकेंड्स, अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर एक दूसरे को 15 सेकंड्स में पार करती है, देन इन व्हाट टाइम फास्टर ट्रेन विल ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन इन सेकंड्स। ट्रेनें तो वही दोनों हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक बार अपोजिट डायरेक्शन है, दूसरी बार सेम डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन का टाइम दिया हुआ है 15 सेकंड्स, तो सेम डायरेक्शन में टाइम पूछा है, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, दोनों ही स्थिति में
डिस्टेंस तो सेम ही होगा, क्योंकि ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो सम ऑफ द लेंथ्स दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के जोड़ के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी डिस्टेंस का कोई मायने ही नहीं है। 150 प्लस 200 350 मीटर का डिस्टेंस तय होता है, लेने की जरूरत ही नहीं है। तो स्पीड कौन से काम करते हैं मैं बताता हूं, उसका कैसे यूज ही नहीं है। मैं बताता हूं कि सॉर्टर और पहला सॉर्टर है और दूसरा लॉन्गर है, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ डिनोट करने के लिए कहा। तो 150 मीटर लेंथ है और ये 200 मीटर लेंथ है, ये लेंथ है, यानी जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू 350 मीटर है, चाहे जिस डायरेक्शन में तय कीजिए। स्पीड्स जो है, स्पीड्स ये 2:5 है। अगर सॉर्टर का 2 मीटर पर सेकंड हो तो लॉन्गर का 5 है, तो 7 ना है तो 3 ना है। रिलेटिव स्पीड ये अपोजिट डायरेक्शन और ये सेम डायरेक्शन ये होगा कि नहीं, ये स्पीड्स का रेशियो होगा ना, एक 2 मीटर पर सेकंड से जाए दूसरा 5 मीटर पर सेकंड से जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन में 2+5=7 होगा कि नहीं, और सेम डायरेक्शन में 5-2=3 होगा कि नहीं, 7 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताइए कि डिस्टेंस तो दोनों समान ही तय करते हैं, तो टाइम का रेशियो 3:7 होगा कि नहीं। अपोजिट डायरेक्शन में अगर 3 सेकंड लगता है तो सेम डायरेक्शन में 7 लगेगा, 3 ना होके 15 सेकंड्स लगते हैं, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 5 टाइम्स है, तो क्या ये भी 5 टाइम्स ना होगा, इक्वल टू 35 सेकंड्स ना होगा आंसर। ये कितना शानदार क्वेश्चन था बताइए। आप डिस्टेंस वगैरह यूज करके स्पीड निकाल के बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, टाइम मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, स्पीड निकालेंगे, इक्वेट करेंगे, बना सकते हैं, बट व्हाई उस समय सॉल्व नहीं करता, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड नंबर था। इसके बाद आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए फोर्थ में मिक्सचर का सवाल है, पढ़ता हूं पहले। ए कंटेनर कंटेन्स 165 लीटर्स ऑफ मिल्क, ओके, सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, हाफ ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, व्हाट इज एडेड इन दैट कंटेनर, नाउ रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द कंटेनर बिकम्स 5:3, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन इट। जो पूछा जाता है उसी को एक्स मानना ठीक रहेगा। तो आप जानते हैं कि पूरा का पूरा मिल्क है, उसमें से अगर 10 लीटर मिल्क निकाला गया तो 5 लीटर डाला जा रहा है, तो 10 को यदि हम एक्स माने मिल्क को, तो वाटर एक्स बाय 2 होगा। क्यों करें, वाटर को एक्स मान लेते हैं तो मिल्क 2x हो गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम मान लेते हैं कि मिल्क में से और ये वाटर कब होगा, तो 165 लीटर मिल्क है, इसमें से 2x लीटर मिल्क निकाला गया और वाटर डाला गया, x लीटर डाला गया, हाफ डाला गया। तो पहले तो वाटर था नहीं, अभी वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है, गिवन कि रेशियो 5:3 है। जल्दी बोलिए, सॉल्व तो वन लाइन में होगा, तो बोलेंगे 6x 5x 11x अपोजिट डायरेक्शन है, इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, बस x इक्वल टू 45 लीटर, आंसर। इतना ही डाला जाना चाहिए।
दिस इज द बेस्ट वे. समझ में आया कि नहीं? वाटर हाफ है तो मिल्क वाटर को एक्स मान के मिल्क टू एक्स मानते हैं, इतना मिल्क निकाल लिया इतना वाटर डाला, नाउ द रेशियो इज दिस 6x 5x अपोजिट साइन है ऐड हुआ. बोलिए ठीक है. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा. मैंने SBI क्लर्क मेन एग्जाम के सिर्फ 4 क्वेश्चंस को छोड़कर सारे क्वेश्चंस सारे चैप्टर के सॉल्व कर दिए हैं. मिसेलेनियस के 4 क्वेश्चंस बाकी हैं, उन्हें भी जल्दी ही कल तक सॉल्व करके दे दूंगा. इन क्वेश्चंस को बार बार देखिए, ये दरअसल किसी भी एग्जाम के लिए पैमाना माने जा सकते हैं. क्या IBPS RRB, क्या IBPS PO, क्या इवन SBI, कोई फर्क नहीं पड़ता है. SBI क्लर्क के मेन एग्जाम में क्वेश्चन का जो स्तर होना चाहिए वो रखा गया है, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको कोई दिक्कत होने का नहीं है. ऑल द बेस्ट.